काफली का पीपल्स पार्टी की मगर से क्यादत इस वक्त मुश्तका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, या आपको दिखा? मेरा नाम जो है ना वो बड़ा जरूरी होता है, तो लेकिन अब इंशाल्लाह आपस में ये फैसला किया है कि अपोजिशन में रहते हुए जॉइंट अपोजिशन बनाए ताकि सब मिलजुल कर, अगर अपोजिशन में हैं तो मैं अपोजिशन में पीपल्स पार्टी, अपोजिशन में दूसरे इमरान खान साहब अपोजिशन में, तो जितनी देर तक सारे मिल के एक लायामल तय नहीं करेंगे उतनी देर तक काम आगे बढ़ता नहीं। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में बातचीत हुई हमारी, तो हमारे भी कैंडिडेट सईद मंजूर साहब थे, तो फिर हमने ये दरख्वास्त किया उनसे भी कि वो भी विदा करें ताकि कल परसों हम बाकी जो दूसरी जमातों से मिलकर उनका दामन भी हासिल करके जॉइंट अपोजिशन का एक नुमाइंदा जो है सामने आए। तो अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार कर रहे हैं सर जी? दस्तबरदार होने का तो पता है खराब हो जाएगा। अच्छा, खराब ही कर रहा है। हमने दमी से पेपर कर लिए जी। मैं यही बात करूँगा कि जब तक कि अपोजिशन एक पेज पर नहीं होगी उतना फोर्सफुली हम इलेक्शन में जाने से कासर होंगे, इसलिए ये बिल्कुल सही राय है कि हम आपस में सारे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके सरबराहों से बातचीत करके कोशिश करें कि एक मुत्तफिका कैंडिडेट हो, और मैं समझता हूं कि जो हमारा कैंडिडेट है आपको कि दादा रब्बानी साहब का जो नाम है वो सिर्फ नाम नहीं है लेकिन इनके जो काम हैं, इनके जो खिदमात हैं, इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, इन्होंने जो जमहूरियत के हवाले से, इन्होंने जो उसूलों के हवाले से स्टैंड लिया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनको हम मुत्तफिका कैंडिडेट करें। लेकिन चौधरी साहब ने जो फरमाया है हम सारे दोस्तों से बात करेंगे और इंशाल्लाह इत्तेफाक की राय से आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो हैं नए उम्मीदवार के लिए चाहे वो रज़ा रब्बानी साहब की दोबारा मुशावरत का अमल शुरू कर रहे हैं? मुशावरत तो होनी चाहिए ना, जो साहब ने कहा सारी जमातों के साथ हमने पहले भी बातचीत की हुई है, अब भी जो चौधरी साहब की है कि हम पीटीआई से भी फाइनल कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से आज हमारी बातचीत है, शेरपाव साहब से बातचीत कर रहे हैं, तो ये अपोजिशन का मतला है कि हम हर जमात से बात करके और इंशाल्लाह आपके सामने अपोजिशन की तरफ से एक कैंडिडेट आएगा। देखिए मैं इसका ये जवाब दे रहा हूँ आपको, जवाब ये है इसका कि जो चौधरी साहब ने अपना कैंडिडेट था वो नॉमिनेशन नहीं भर रहा है, हम आए हैं नॉमिनेशन नहीं भर रहे हैं, मगर क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरी जमातों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, कल वो ये ना कहें कि आपस में फैसले करके आ गए हैं, इसलिए हमें इतना मौका जरूर दें कि हम और जमातों से बात कर सकें। सर जेयूआई से कब मुलाकात कर रहे हैं? आज है बस, थैंक यू। पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की और चौधरी शुजात ने पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार रज़ा रब्बानी पर कुछ देर पहले तफ़सीलात का इज़हार किया था, लेकिन ये आप देख सकते हैं इस पर खुशी शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।